you.

Hadlington, बहुत कॉमिक uh, तरीके से और फार्सिकल तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करते हैं अबू हसन डेट्स बाय रोनाल्ड है मोस्ट फेमस ओपेरा रिटन ऑन द बेस्ट ऑफ अरेबियन नाइट्स अरेबियन नाइट्स की कहानियों पर आधारित ये बहुत ही फेमस ओपेरा है जैसे अबू हसन पेस हिस्सा नामक टाइटल से

बगदाद के बैकग्राउंड पर इस कहानी को इस स्टोरी को लिखा गया है द प्रेजेंट इज टिंच ऑफ ह्यूमर एंड इट प्रेजेंट्स एंडशन दिस पीस इज सेट व्हेन बगदाद वाज रूल्ड बाई एंड दिस पीरियड व्हेन हारून अल रशीद रीन सिटी ऑफ बगदाद बगदाद के शहर में जब अल हरुन अल रशीद राज कर रहे थे कैलीफ खलीफा का अलग अलग प्रकार के खलीफाओं का शासन उस जमाने में हुआ करता था इसी दौर में खलीफा के रूप में अरुण अल रशीद वहाँ पर राज कर रहे थे उन्हीं के कार्यकाल के दौरान का एक समय है और उसी पीरियड को रोनाल्ड हैडलिंगटन ने अबू हसन की कहानी से जोड़कर दर्शकों के सामने यह बना प्ले पेश किया है जानने की कोशिश करेंगे कि इस ड्रामा में हेडलिंगटन uh, क्या दिखाना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं इन दिस प्ले अबू हसन द चीफ स्लेव टू हारन अल रशीद एंड वाइफ नो सैटल प्ले अट्रिक ऑन द रॉयल कपल टू रिसीव गोल्ड कॉइन इन ऑर्डर टू ओवरकम दर मिजरेबल प्लाइट अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए अब हसन अपनी बीवी नौज हतुल के साथ एक अलग प्रकार के ट्रिक एक युक्ति का प्रयोग करते हैं ताकि वो बहुत सारा धन कमा सके और अपनी गरीबी से वो निजात पा सके एंड इन द एंड दे कन्फेस द क्राइम एंड दे विन ओवर द हार्ट्स ऑफ एवरी अंत में वो अपने गुनाह को कबूल तो करते हैं पर जिस प्रकार की युक्ति प्रयुक्ति का वो प्रयोग करते हैं वो सभी का दिल जीत लेते हैं हास्य से भरा हुआ एक ड्रामा और अब हसन के ट्रिक और उनके होशियारी को बयां करता हुआ एक वन एक्ट प्ले है अबू हसन हास रेडी विट एंड गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी चलाकी के लिए अपनी बुद्धिमत्ता के लिए अबू हसन जाने जाते थे और अबू हसन ने अपनी बुद्धिमत्ता का अपनी विद्वता का भरपूर इस्तेमाल किया और बहुत चतुराई से अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए उन्होंने राशिद अल हारून से हारून अल राशिद से बहुत सारा धन इकट्ठा करने के और प्रिंस जोबिडी से भी वो इस प्रकार से धन इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं अरिबियन नाइट्स की ये वही कहानियाँ हैं जो हमें तेनाली रामा की याद दिलाती है बिरबल की कहानियों की याद दिलाती है इसाब के कहानियों की याद दिलाती है अबू हसन अरेबियन नाइट्स के बहुत फेमस किरदार में से एक किरदार है और बहुत प्रमुख ग़ुलाम के तौर पर अबू हसन बगदाद में काम करते थे और अल रशीद के मुख्य गुलाम होने के साथ साथ वो अपनी चतुराई के लिए भी जाने जाते थे जानने की कोशिश करेंगे कि अबू हसन के ऊपर क्या संकट आते हैं क्या मुसीबतें आती है और किस प्रकार अबू हसन उसमें से रास्ता तलाश करते हैं यहां से वन प्ले का ड्रामा का पहला सीन शुरू होता है वेन ड्रामा ओपन अबू एट ब्रेकफास्ट ड्रामा के लिए जैसे ही पर्दा खुलता है हम स्टेज पर देखते हैं कि अबू हसन और उसकी बहुत खूबसूरत बीवी नौल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सीटेड एट है स्मॉल टेबल सेंटर स्टेज स्टेज मध्य में पर स्मॉल टेबल के इर्द गिर्द बैठकर दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस इट इज क्लियर अबू इज नॉट एंजॉइंग द मील अब अबू हसन के चेहरे के हाव भाव देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जो भी ब्रेकफास्ट उनके सामने परोसा गया है वो उसे बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे है नॉर फॉर द मैटर इस नौलटली अबू हसन जो भी परोसा गया है उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय नहीं कर रहे है ये नौस हाथुल के नजरों से छिपता नहीं है वो बहुत ही बारीक नज़रों से अपने पति को घूर रही है वो कंप्लेन अबाउट द मील एंड कॉल्स इट वर्स बैड बहुत बत्तर से बत्तर खाना मुझे परोसा गया है ऐसे शिकायत अबू हसन करते हैं नॉस द किचन फॉर कुकिंग नॉस बताती है कि खाना बनाने के लिए दूसरी कोई चीज तो घर में थी नहीं इसलिए जो भी रूखा सूखा घर में था उसी को एडजस्ट करके नॉस अतुल ने यह ब्रेकफास्ट बनाया है एंड टेल्स दैट समर ड्रॉट धुपकाले के सीजन में समर के सीजन में जिस प्रकार से कुएं सूख जाते हैं उसी प्रकार से घर के सारे बर्तन सूख गए हैं भी, भी शहद भी नहीं है जार में भरा हुआ इस प्रकार की शिकायत नौस हाथुल भी करती है अबू हसन के सामने इसलिए जो भी मिला है वो परोसा है अबू हसन वॉज स्लेव ऑफ हिस मोस्ट एक्सिलस हारून अल रशीद अल रशीद के सबसे प्रिय गुलामों में अबू हसन का किरदार का नाम आता है एंड uh, तकरीबन कई महीनों से वो इस इसे uh, पर काम कर रहे हैं नाउ स्ट्राइट इन अली अलीवेडी एंड हाफ ब्रदर रबाज दीज आर मर्चेंट्स ऑफ द दर्द बट इन वन नाउ सातुल ने बार बार रब अद्दास को और अलीडी uh, को वो ये बताने की कोशिश की पर इसका कोई उपयोग नहीं हुआ एंड दे बोथ और दोनों फिर उनको शराब देते हैं उनके बारे में बुरा भला बुरा कहते हैं अब गो टू पैलेस टू आस्क फॉर मोर गोल्ड फ्रॉम द कैलिफ अब इस गरीबी से निजात पाने का एक ही रास्ता अबू हसन के पास था कि खलीफ के पास चला जाए और उनसे कुछ सोना मांग लिया जाए बट नो स्टेल्स दैट ऑलरेडी खालीफ अजीविन दैम गोल्ड फॉर मेनी ईयर्स एंड दे स्पेंड केयरलेसली पर नोज अबू हसन की बीवी उन्हें बताती है कि इसके पहले भी खलीफ ने बहुत सारा सोना हमें दिया है और हमने बिना किसी परवाह के बेपरवाह तरीके से उसे खर्च भी किया है बट अबू हसन बिलीव दैट गोल्ड वॉज मेड टू स्पेंड एंड स्पेंड अगैन अबू हसन का मानना कुछ अलग है सोना दिया है खलीफ ने खर्चे ही तो करने के लिए दिया होगा अबू हसन इस बात में विश्वास करते हैं कि सोना सिर्फ खर्च किए जाने के लिए मिलता है और और जो खर्च खर्च करने के लिए मिला हमने उसे खर्च कर लिया and when all spent, what then? और जब खत्म हो गया पूरा तो अब क्या वाई मोर मास बी फाउंड टू स्पेंड स्टिल फर्दर अगर खत्म हो गया तो फिर से क्यों चाहिए खर्चा करने के लिए ऐसे अलग अलग प्रकार की नोकझोंक मिया बीवी में चल रही है अबू वोस अबाउट टू गो टू पैलेस एट द सेम टाइम अली वडी अपीयर्स फर्स्ट अब खलीफा से इस प्रकार का सोना अपनी परिस्थिति को दूर करने के लिए मांगने के लिए अबू हसन घर से निकलने ही वाले थे कि इतने में अली वडी और उनके कुछ साथीदार वहां पर आधमकते हैं अ फैट लिटिल मैन विद ऑयली काउंटनेंस एंड बिहाइंड हिम कम्स दरबदज अब अली वैडी और रब बगदाद के मर्चेंट से व्यापारी है और पैसा उनका बहुत बकाया है हसन की तरफ अब वो आ गए उसके दरवाजे पर होल्ड देर हैंड्स रोल ऑफ राइटिंग पेपर्स दोनों ने अपने हाथ में कुछ बिल लेकर साए थे ये शायद उधारी का बिल था दे कम टू रिकवर इंसेक्ट्स फॉर नॉट ऑन टाइम धमकी to to देते हैं हम बहुत वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी एक ऑर्डर लेके आए हैं अब ये ऑर्डर देखने के बाद में भी अगर तुम उधारी के पैसे वापस नहीं चुकाते तो फिर हम खलीफा को तुम्हारी शिकायत कर देंगे और शिकायत करने का परिणाम क्या होगा तुम चोर डिक्लेयर कर दिए जाओगे सारे बगदाद में लोग तुम्हें चोर कह के बुलाएंगे और तुम विश्वास भी खो दोगे एंड दिन टू पे द सनसेट फॉर दैट डे और दोनों ने अली वैडी और रबहदास ने अबू हसन को धमकी दे दी सूरज ढलने तक शाम तक हमारा बकाया पैसा आज के आज ही वापस हो जाना चाहिए नहीं तो इसके परिणाम अबू हसन तुम्हें भुगतने पड़ेंगे इस प्रकार की वार्निंग देके रब हद्दस और अली वैडी वहां से निकल जाते हैं अबू इज अफ्रेड ऑफ देयर वार्निंग अबू हसन डर गया भले ही कितना ही चतुर हो पर जिस तरीके से दोनों व्यापारियों ने अबू हसन को धमकी दी थी वो डरा डरा हुआ था एंड थिंग्स ऑफ सेलिंग समथिंग टू पे देर डेट्स बट देर इज नथिंग इन द हाउस इवन टू सेल फिर अबू हसन के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना घर की कोई चीज बेचकर कम से कम इनकी उधारी चुका दी जाए पर घर में बेचने लायक तो कुछ चाहिए घर में एक दमड़ी भी नहीं थी कोई चीज भी नहीं थी कि जिसे बेचकर इनकी उधारी इनका बकाया चुकता कर किया जा सके ही लुक्स वेरी वरीड बहुत चिंतित हो गया अबू हसन नो से कॉमन मार्केट प्लेस अब ऐसा लग रहा है बोले कि बगदाद के रस्तों पर मार्केट में हम किसी भिकारी के तरह मर जाएंगे क्योंकि ना खाने के लिए अनाज है ना खर्चा करने के लिए पैसा है और उधारी वाले है कि दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कैसा करेंगे दोनों इसी विचार में हैं अबू थिंग्स टू प्रिटेंड टू बी इल फिर अबू के एक खुराबाती दिमाग में एक आइडिया आती है क्यों ना बीमार होने का ढोंग रचा जाए एंडिफ विल फील बैड जैसे खलीफ को पता चलेगा कि उसका प्रिय गुलाम बीमार है तो उन्हें बुरा लगेगा एंड देयर इलनेस एंड विल गिव गोल्ड इन चैरिटी फिर दान धर्म के रूप में बहुत सारा सोना वो हमें दे देंगे और हम अपने गरीबी से निजात पा लेंगे इफ इलनेस कैन ब्रिंग गोल्ड ही थिंक वे नॉटेंड डाई फिर अबू हसन के दिमाग में और खुलापाती आई सिर्फ बीमार होने से अगर इतना सोना खलीफ हमें दे सकते हैं दान धर्म के तौर पर तो क्यों ना मरने का नाटक किया जाए इट मे ब्रिंग मोर गोल्ड अबू हसन को लगने लगा कि अगर मरने का ही नाटक करेंगे तो बहुत सारा सोना मिल जाएगा नर्स कॉल इट फुलिश आइडिया नर्स कहती है बहुत बेकार और फालतू का आइडिया है बट अबू बिलीज इन ट्रिकी स्कीम एंड द नोबले स्वीट इन द इन ऑल बैक पर अबू हसन को अपनी चतुराई के ऊपर विश्वास से और वो अपनी स्कीम को जिसके चतुराई भरे दिमाग से इस आइडिया को उसने निकाला था उसे पूरा विश्वास है कि ये करामात कर दिखाएंगी ही विल डाई एंड शी कैन टेक हर विडोज मैसेज टू द प्रिंसेस अब इस प्रकार की आइडिया अबू हसन के दिमाग से निकली कि वो पहले मर जाएगा फिर मरने की खबर लेके विधवा होने का नाटक करके बेवा होने का नाटक करके नौ सातुल प्रिंसेस के पास जाएगी जो के पास और फिर वो बहुत सारा पैसा लेकर आएगी शी विल बी जेनरस इन हर चैरिटी और फिर उधार होकर प्रिंसेस जो बहुत सारा धन नौ सातुल को दे देगी देन अबू विल गो टू ख्याल पहले तुम प्रिंसेस के पास जाओ मैं मरता हूँ मरने का नाटक करता हूँ फिर तुम जब वापस आ जाओगे तो मैं खलीफ के पास चला जाऊंगा और इसी प्रकार की कहानी सुनाऊंगा कि तुम मर गई हो एंड ही विल गिव हिम लॉट ऑफ मनी टू पे फॉर फ्यूनरल बिल्स फिर uh, uh, मैय के लिए uh, और uh, इस प्रकार के फ्यूनरल्स के लिए अंत्य संस्कार के लिए बहुत सारा पैसा खलीफ दे, दे देंगे और uh, uh, इस पैसे से वो अपने कर्ज़े चुका पाएंगे दिस वॉज द एक्सलेंट प्लान अबू मेड ये एक बेहतरीन प्लान था अबू हसन ने इस प्लान को बनाया था क्या ये प्लान कामयाब हो सकता है क्या खलीफ सच्ची में उसे इतना पैसा दे देंगे क्या विश्वास कर लेंगे अबू हसन के ऊपर देखते हैं नॉस थिंग्स इट वुड बी बे बेटर दैट शी वुड डाई फर्स्ट नॉस तो पहले राजी नहीं थी फिर अबू हसन के आइडिया सुनने के बाद में नॉज ने सोचा कि क्यों ना मैं पहले मर जाती हूं फिर अबू सेज दैट ही विल डाई फर्स्ट अबू ने कहा नहीं पहले मैं मरूंगा दे प्रैक्टिस दोनों में नोकझोंक होने लगती है और दोनों फिर मरने के नाटक का प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से उन्हें मरने का नाटक करना है और यहां से सीन फर्स्ट खत्म दूसरा सीन शुरू होता है अबू हसन पे डेट्स में दो अलग अलग सीन्स लिखे गए थे यहाँ से दूसरा सीन शुरू होता है

उस सोने के जो भी सिक्के उन्हें मिले थे उन्हें वो तकिये के नीचे दबाकर रख देती है ऑन द दीवान दीवान और फिर एक पर मुर्दे की तरह सो जाती है। एंड विनिंग शीट ओवर हर हेड और फिर एक वाइंडिंग शीट वो अपने सर पर ओढ़ लेती है द फुट स्टेप्स आर नाउ लाउडर कदमों की आने की आहट बहुत नजदीक आ रही है जोर जोर से सुनाई दे रही है

ब्रॉड गोल्ड कॉइनस एंड पोर्ड इन बिफोर इज वाई बहुत सारे सोने के सिक्के लाया और नौल के सामने उन्होंने कम, कम तीन गुना अपने कर्जे को हम चुकता कर सकते हैं इतना सोना तो हमने पा लिया अबू को अपनी आइडिया पर नाज हो रहा था अबू लुक्स वेरी प्लीज विथ हिम सेट एंडली बिलीव इन दोरी ऑफ अबू खलीफ ने अबू की कहानी पर विश्वास कर लिया अबू ने एंड ही वाज वीपिंग लाइक अ वेरी टेबल बेब इन आर्म्स जैसे छोटा बच्चा माँ के गोद में रोता है बाहों में रोता है उसी प्रकार से खलीफ भी फूट फूट कर रोने लगे कितना बेहतरीन ड्रामा अबू हसन ने खलीफ के सामने किया होगा अबू टुक केयर दैट प्रिंसेस डिड नॉट सी हिम कमिंग टू द पैलेस पर नौ सतुल होश में है वह अबू को आगाह करती है कि कई प्रिंसेस ने आपको महल में आते हुए देखा तो नहीं है नहीं तो अपना नाटक जो है अभी के अभी खुल जाएगा और सारी चतुराई फिर धरी के धरी रह जाएगी एट द सेम टाइम मैसेंजर मैसूर कैम देर नौजातुल अबू हसन आपस में बात तो कर रहे हैं और इतने में खलीफ का दूत वहां पर आता है मैसूर नाम का एंड नौज इमीजिएटली लाइट डेट जैसे ही मैसूर के आने की आहट सुनी नौसातुल फिर से मुर्दा हो गई फिर से मरने का नाटक करने लगी एंड देर वॉजर ऑफ अबू हसन डेथ इन दिटी पूरे शहर में अबू हसन के मरने की भी खबर फैलने लगी सो हु एक्चुअली डाइट दोनों ने एक दूसरे को मैंने खलीफ को और प्रिंसेस को बेवकूफ़ बनाने का प्लान तो बनाया था इधर खलीफ को लग रहा है कि नौसहातुल मर गई है प्रिंसेस जोबिडी को लग रहा है कि नौसहातुल मर गई है अबू हसन मर गया है एक्चुअली कौन मरा दो में से ये कंफर्म करने के लिए खलीफ ने फिर मैसूर को दूध बनाकर अबू हसन के महल में भेजा अबू हसन के घर पर मैसूर आया मैसूर इनफॉर्म दैट इज आइनस एंड प्रिंसेस आर इन ग्रेट वाइफ मैसूर ने आकर खबर सुनाई अबू हसन वही पर था और नौ सतुल लेटी थी मुर्दा होकर खलीफ के मन में और प्रिंसेस के मन में इस प्रकार का कंफ्यूजन है बोले कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन मरा है एक्चुअली द खलीफ इज सो श्योर दैट इट इज योर वाइफ दैट ही हैज हिज प्राइवेट ट्रेजर अगेंस्ट द प्रिंसेस ट्रेजर गार्डन द प्रिंसेस बीइंग इक्वली सर्टेन इट इज यू एंड नॉट योर वाइफ हु इज डेड दोनों ने एक दूसरे के साथ शर्त लगाई है और वो भी प्राइवेट ट्रेजर दांव पर लगाई है प्रिंसेस ट्रेजर्स गार्डन सबसे महत्वपूर्ण गार्डन भी प्रिंसेस जोबिडी ने दांव पर लगाया है क्योंकि प्रिंसेस जोबिडी को लगता है कि अबू हसन मर गया है और खलीफ का कहना है कि नौसातुल मर गई है कौन मरा है ये दोनों जानना चाहते हैं और शर्त लगी है इन दिस दिसमेंट बिकेम सो कमांडेड मी टूट इन बियॉन्ड ऑल डाउट ऑफ द मैटर फिर खलीफ ने मुझे भेजा है जाओ मैसूर और इस बात की छानबीन करके आओ कि एक्चुअली मरा कौन है नौसातुल मरी है या अबू हसन इसलिए मैं अपने शक शुभ को दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं सुर हरिडली गोज टू तो इनफॉर्म दैट कैलीफ दैट नॉज हैज डेट एंड नॉट अबू जैस जब मैसूर आया था नौजतुल मरी पड़ी थी और अबू हसन उसके पास बैठा था अबू हसन को जिंदा देखा मैसूर ने और इसी खबर को खलीफ के पास वो बताने के लिए गया खलीफा को बताया कि इजाइनस अबू हसन जिंदा है और नौज अतुल मरी हुई थी मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसी बात को उसने खलीफ को बताया अब प्रिंस जोबीडी के सामने कंफ्यूजन है थिंक्स अभी लगी उसको लगने लगा कि अभी तो प्लान खुलने वाला है अपनी सारी पोल खुल जाएंगी और दुनिया को पता चल जाएगा कि कौन मरा है और कौन जिंदा है नाउ अबू लाई पर अबू का प्लान जैसे था उसी हिसाब से सारी प्रक्रिया चल रही है अब अबू सो गया दीवान पर मुर्दे के रूप में एंड आस गो प्रिंसेस प्रिंसेस और प्रिंसे के पास जाने के लिए कहा एंड दैट द प्रिंसेस इज ओनली दे विल इजीली फूल हर इस बात को भी अबू हसन ने बताया नौज को कि प्रिंसेस जोबीडी भले ही प्रिंसेस पर है तो एक औरत ही और उसे बेवकूफ़ बनाना आसान है हम उसे आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं ऐसा समझा बुझा कर नौजुल को पैलेस में राजमहल में अबू हसन ने भेज दिया राजकुमारी के पास शहजादी द मेड सर्वेंट ऑफ द प्रिंसेस केम देयर टू कंफर्म द न्यूज हु एक्चुअली राइट फिर प्रिंसेस ने अपने खास दूत को शेर हरडे को यहां पर भेज दिया कंफर्म करने के लिए देखो कौन मरा हुआ है मैसर ओनली अ मिनट सिंस सईद नॉज वाज लाइंग हियर कोल्ड एंड डेड अभी कुछ लम्हे पहले कुछ पल पहले ही मैसर ने आकर बताया कि नॉज मरी पड़ी थी और अबू हसन जिंदा है एंड नॉट योर हस्बैंड अबू येट द एविडेंस ऑफ माय ओन आईज से क्वाइट डिफरेंट पर प्रिंस ओबिदी इस बात पे कन्फर्म थी कि अबू हसन मरा है और नौ जिंदा है इट वुड बी वेल इफ यू योर कम टू द पैलेस टू एंड दिस्टर्ब इट डांस इसलिए शहर को उन्होंने भेज दिया तुम खुद जाओ और देख कर आओ कि कौन जिंदा है और कौन मरा है फाउंड अ मूवमेंट विद ऑफ अबू एंड थॉट इट वाज बैड जब वहां पर मैसेंजर के रूप में आई शहजादी के तो उन्होंने देखा कि अबू मरा पड़ा है और नौजातुल जिंदा है जोबीडी जो भी सो, प्रिंसे जो भी सोचती थी वही से ही पाया पर इतने में अबू हसन के मुर्दे से कुछ हलचल दिखाई देने लगी अबू हसन मरने का नाटक कर रहा था और कुछ हलचल बॉडी से मुर्दे के शरीर से दिखने लगी तो शर घबरा गई उसको लगा कि ये कोई अपशकुन हो रहा है और वो वहां से तुरंत भाग गई बट वेन इफ दे आर सीन वेन दे गो आउट सिटी दैट नौ डाइट एंड अबू इज डाइट टू अब एक अलग कश्मकश वहां पर पैदा हो गई अब खलीफ को लगने लगा कि नौसातुल मर गई है प्रिंसेस जोबिडी को लगने लगा कि अबू हसन मर गया है मरे तो दोनों है दोनों की नजर में सारे बागदाद में यह खबर फैल जाएंगी कि नौज भी मर गई है और अबू हसन भी मर गया है एंड देट अबू ऑल्सो इज डाइट अगर दोनों मरने की खबर बगदाद शहर में फैल गई तो ये जो सोना हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इसे खर्चा कौन करेगा हम शहर में जा कैसे पाएंगे ऐसे सोने का क्या करेंगे इस प्रकार का एक विचार नौस के मन में आया हाउ टू फाइंड आउट द वे आउट फिर इसमें से रास्ता कैसे निकाले

खलीफ को मैं आसानी से इस बात का विश्वास दिला दूंगा कि नौज मर गई और उसके दुख में मैं भी मर गया और मेरे दुख में नौस भी मर गई तो जोबिडी और खलीफ दोनों विश्वास कर लेंगे दोनों की बात पर इस प्रकार का फिर दोनों ने मरने का नाटक का प्लान किया अबू प्लान्स टू टेक द गोल्ड एंड पुट इट इन द ट्रैवलिंग चेस्ट टुगेदर विद आर बिलोंगिंग्स फिर अबू हसन ने दोनों के मरने के बाद गोल्ड खर्चा नहीं कर पाएंगे ये प्रॉब्लम जब उसके समझ में आया तो फिर बगदाद शहर से भागने का प्लान बनाया और अपनी सवारी के लिए उसने तैयारी चालू कर दी ही विल अरेंज पासेज विद टुमर उस कारवा और कल जो कारवा यहां से निकलेगा बगदाद से उसी कारवे में हम भाग जाने की कोशिश करेंगे इफ वन देर बी मीन सी दैट ऑल इज रेडीनेस बाई हिज रिटर्न और वो इस तैयारी में तैयारी करने के लिए बगदाद के कुछ कोनों में जाना चाहता है और कुछ ही घंटों में वापस आने का वादा नौ सातुल से करता है आगे क्या होता है एक बहुत है इज अबाउट टू गो आउट बिल्कुल निकलने ही वाला था बगदाद से भागने की तैयारी के लिए एंड एट द सेम टाइम फाइंड हिमसेल्फ एंड द प्रिंसेस विद हिम कम देयर विद मैसूर उसने खिड़की से झांक कर देखा खलीफ खुद प्रिंसेस जोबिडी के साथ इसके घर पर आ रहे थे अबू एंड नौस विल्स इट हैव बीन बेटर अब नौस और अबू हसन को लगने लगा अभी तो जान की परवाह uh, कर नहीं सकते अभी तो जान चली जाएगी इस समय हम दोनों मर जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा नहीं तो खलीफ तो वैसे भी मार ही देंगे इस प्रकार का विचार दोनों को पछतावा भी हो रहा था अबू मेक्स वन मोर प्लान पर अबू हसन होशियार है चतुर है उसने और एक प्लान बनाया बोथ विल प्राइ कभी नौज मर जाती है कभी अबू हसन मर जाता है और दोनों खलीफ को बेवकूफ बना रहे हैं पर अभी तो दोनों साथ में आ रहे तो अबू हसन ने और एक प्लान चलो दोनों मरने का एंड इट इज इवन अर साइट दाइटर इज दाउ कु

इस बात का शक वहां पर लोगों को होने लगा अबू टेल्स इज वाइफ लाइट एंड नॉट टू तो मेक एनी मूव अबू ने पहले ही अपनी बीवी को आगाह किया था खबरदार कुछ हलचल की तो मुर्दे की तरह पड़ी रहो शी वॉन्ट्स टू स्टीज वो छीकना चाहती है पर रोक लेती है बट हाज टू कंट्रोल अगर कंट्रोल नहीं करते तो उनकी पोल खुल जाती मिस लीड्स द खालिफ क्लोथ इन हिज रॉयल स्प्लेंडर एंड शेयर डिलीड्स इज प्रिंस इज जोबीडी लेकर खलीफ और प्रिंसेस जो वहां पर आते हैं खलीफ द इंसून ऐसा लगता है कि दोपहर में दोनों की मौत हो गई बेचारा अबू हसन पुअर अबू हसन ही was my favorite slave। वो मेरा सबसे प्रिय गुलाम था एंड ही loved हिज फेयर वाइफ वो अपनी सुंदर बीवी से प्यार भी करता था दैट ही डाइड इन ग्रीफ फॉर हर ऐसा लगता है कि उसके दुख में अबू हसन भी मर गया। जोबिडी प्रिंसेज़ जोबिडी का कहना है सेट इट इस आई आप जो बोल रहे झूठे अबू died first पहले अबू हसन मर गया and his fair wife the fairest flower of my chamber died in grief for him प्रिंसेज़ जोबिडी का कहना है कि अबू हसन पहले मर गया और अपने पति के दुख में बेचारी इतनी सुंदर बीवी थी वो उसने अपनी जान दे दी इस प्रकार का दावा प्रिंसेस जोबीडी कहती है खलीफ के अनुसार अबू हसन मर गया प्रिंसेस खलीफ के अनुसार नौसातुल गई और प्रिंसेस कहती है कि अबू हसन मर गया दोनों अपने अपने दावों को सामने रख रहे जोबीडी एंड खाली वे आर क्लेमिंग बी टू। ये चारों के चारों अपने अपने दावे को सच और बिल्कुल लगन से क्लेम कर रहे थे कि वो सच बोल रहे चारों अपने अपने दावे को जोर जोर से बता रहे और सारे सच ही बोल रहे थे खलीफ ने जो देखा वो सच था मैसूर ने जो देखा वो भी सच था प्रिंसेस जोबिडी और शहर ने जो देखा था वो भी सच था चारों के सामने एक ही बात

अपने दूसरे गुलाम को कसिम को बुलाया और कहा कि अभी शहर में जाके इस बात को फैला दो पब्लिक में कि जो कोई यह बताएगा कि दो में से पहले कौन मरा है उसे एक हजार सोने की अशरफिया दे दी जाएगी द प्रिंस डिक्लेयर दैट वुड गिव प्रूव दैट खलीफ इज रॉन्ग प्रेशियस एमरल्ड फिर खलीफ की घोषणा होने के साथ साथ प्रिंसेस जोबिड़ी ने दूसरी घोषणा कर दी खलीफ जितने एक हज़ार अशरफिया देना चाहते मैं उससे दुगना दूंगी जो कोई ये बताएगा कि पहले कौन मरा है ना? क्योंकि प्रिंसेस ज़ोबेडी को ये बात कंफर्म थी कि अबू हसन मरा है खलीफ को इस बात का विश्वास था कि नौजातुल मरी है और कैसे मिस गोइंग थ्रू द डोर वे मैन अबू जम्प्स ऑफ द कोच कॉजिंग अ कमोशन बाई डूइंग जैसे कसीम बाहर जाने ही वाला था इस बात को पब्लिक में अनाउंस करने के लिए अबू हसन मुर्दे के रूप में जो सोया था छलांग मारकर उठकर खड़ा हो जाता है सब लोग डर जाते हैं अबू एक्सप्लेन दैट ही इज नॉट स्पिरिट पर अबू इस बात को स्पष्ट करता है कि वो कोई रूह या आत्मा या भूत प्रेत नहीं है नीदर ही और नोर इज वाइफ नोर डाइट ना तो वो मरा है ना तो उसकी बीवी मरी है एंड आज टू फॉरगिथम फॉर देयर फॉली अपनी इस बेवकूफ़ी के लिए अपने इस गुनाह के लिए वो माफी मांगते हैं अबू टेल्स दैट देवर वेरी पुअर एंड हैड नो मनी टू पे देयर बिल्स अबू अब खलीफ के सामने बताता है कि वो बहुत गरीब हो चुके थे उनके पास उधारी के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे एंड धमकी दे दी थी नॉज को कि शाम तक अगर कर्जा वापस नहीं लौटाया तो वो खलीफ को शिकायत करेंगे और वो जेल में डाल देंगे सो दे प्रिटेंडेड टू बी डेड इसलिए दोनों ने मरने का नाटक किया खली स्टार्टेड लाफिंग एट देयर ट्रिक इस चतुराई को देखकर खलीफ जोर जोर से हंसने लगा शेयर एडे सजेस्टेड द डे शुड बी हैंड पर शेयर जो प्रिंसेस जोबिडी की खास गुलाम थी उसने कहा कि इनको तो फांसी पर लटका देना चाहिए और सेंट हिम टू द डेजर्ट विदाउट फूड एंड ड्रिंक या इनको रेगिस्तान में भेज दो बिना खाना और पानी के एंड मैसूर सजेस्टेड दैट डे शुड बी विप्ड फर्स्ट और मैसूर कह रहा है इनको तो चाबुक से मार दिया जाए अबू हसन इन सारे वाक्यात को देख रहा था मैसूर उनको इस प्रकार के अलग-अलग पनिशमेंट केनिशमेंट और मैसूर देना चाहते हैं। कोड़े मारने की सजेशंस मैसूर देता है अबू हसन आस फॉर मर्सी पर अबू हसन ने दया की याचना शुरू कर दी एंड सेट ट्वाइस ऑलरेडी अबू हसन फिर अपनी चतुराई को दिखा रहे महाराज मैं दो बार पहले ही मर चुका हूँ एंड इट वी फॉर थर्ड टाइम और ये तो बेवकूफी no दो, -दो, दो बार पहले ही मर चुका है उसको तीसरी बार और मारना गलती होगी और ऐसा तो कोई कानून बगदाद में है नहीं कि एक आदमी को तीन तीन बार मरने की सजा दे दी जाए खलीफ एंड प्रिंसेस फॉर ग्यू एंड ऐसी चतुराई भरी बातें सुनकर खलीफ और प्रिंसेस उन्हें माफ़ कर देती है बट अबू हसन अबू हसन तो फिर भी चतुर है वेन माई वेन मे ही रिसीव हिज थाउजेंड गोल्ड पीसेस प्रिंसेस जोबिडी और खलीफ ने दोनों में से कौन मरा है ये बताने के लिए जिस इनाम की घोषणा की थी अबू हसन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पूछता है कि वो अशरफिया कब मिलेंगी मुझे

अबू हसन ने अपनी चतुराई से अपने कर्जा चुकाने के लिए प्रिंस जोबिडी से और खलीफ से बहुत सारा गोल्ड और इनाम भी हासिल किया उम्मीद करते हैं कि अबू हसन की ये चतुराई भरी कहानी आपको आसानी से समझ में आई होगी और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपको मदद करेगा डिस्कशन एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थैंक यू वेरी मच